अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई, बहुत सुंदर कहा गया, जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है, या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, या काली पड़ने लगती है, या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए, और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है, शाम के समय इसी जल को उठाकर, शाम पड़ते समय बिल्कुल संझा के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग की समाप्ति। पर उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में दो या तीन पड़ती है, अब के साल में तो तीन पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, दो या तीन पड़ती है, सोमवार की अष्टमी चर्म रोग तक को मिटा देती है, अशोक सुंदरी का प्रमाण है, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने वाली, अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली, श्रेष्ठता देने वाली।